ओम शांति। मनोबल एवं मनसा सेवा 193। मास्टर शांति देवा बनने के लिए आवश्यक युक्ति या पुरुषार्थ। हम क्या पुरुषार्थ करें कि मास्टर शांति देवा बन जाए? मास्टर शांति देवा बनने के लिए क्या युक्ति है या क्या पुरुषार्थ है? ये तीसरा पार्ट है इसका, शांति की शक्ति का। शांति की शक्ति का अनुभव एवं प्रयोग करने के लिए अंतर्मुखता। क्या चाहिए उसके लिए? अंतर्मुखता। अंतर्मुखता किसको याद है? अपने मन को अंदर की तरफ मोड़कर और अपने स्व को देखना। अपने आप को देखना, चेक करना और चेंज करना, ये दोनों चीजें। अंतर्मुखी बनने का मतलब है अपनी कमियों को देखना, जांचना और उसे चेंज करना। शांति की शक्ति का अनुभव एवं प्रयोग करने के लिए अंतर्मुखता और एकांतवासी बनने की आवश्यकता है। एकांतवासी बनने की आवश्यकता है। जब तक एकांतवासी नहीं बनेंगे, अंतर्मुखी नहीं बनेंगे, तो शांति की शक्ति का अनुभव ना कर सकते और ना करा सकते। शांति की शक्ति के का अनुभव एवं प्रयोग तभी हो सकता है जब पहले शांति की शक्ति का अनुभव हम स्वयं करें, अंतर्मुखी होकर उसका मंथन करें, फिर आगे बढ़ सकते। ये बाबा ने 18 नवंबर 1987 को समझाया। नंबर दो है इसका, शांति की शक्ति का अनुभव करने और कराने के लिए अपने मन की एकाग्र एक जगह पर बुद्धि को स्थित करना। वृत्ति शक्तिशाली वृत्ति चाहिए। वृत्ति शक्तिशाली हो, ठीक है कि नहीं? वृत्ति किसे कहते हैं? किसको याद आ रहा है? नदी में जब पत्थर फेंकते हैं तो उसके चारों तरफ जो औरा मतलब गोल सर्किल बनता है उसको वृत्ति बोलते हैं। जो उसी तरह हमारे अंदर की जो भावनाएं होती है ना वो बाहर की तरफ एक औरा बनाती है उसको वृत्ति बोलते हैं। जो हमारे संकल्प होते हैं, जो हमारे संकल्प संस्कार संकल्प नहीं, जो हमारे संस्कार होते हैं, वही जो है ना हमारे वृत्ति का निर्माण करते हैं। हमारे संस्कारों से वृत्ति का निर्माण होता है। जैसे हमारे, मान लो, इसको एग्जाम्पल के लिए मैंने पहले भी चर्चा किया कि मान लो किसी के 10 संस्कार बहुत अच्छे हैं परंतु 4 संस्कार खराब है, तो कुल मिलाकर हमारी वृत्ति के अंदर वो खराब संस्कार भी झलकेंगे और वो भी झलकेंगे। हमारे जितने संस्कार हैं उन सारे संस्कारों का मिला हुआ रूप हमारी वृत्ति होती है। ये वृत्ति जो है ना, हमारे एक थॉट होते हैं जो मन कुछ देख करके क्रिएट करता है। ये देख करके क्रिएट नहीं होते, ये हमारे हैं जिनके आधार पर हमारे मन को काम करना है। इस बात को बहुत ध्यान से समझ लेना। ये हाँ यहां से मैं फिर समझा रहा हूं आपको। देखो, एक तो होता है मन के अंदर जो संकल्प आते हैं, कुछ देखा संकल्प आया, चेयर पर देखा कुछ रखा हुआ है, वहां कुछ हो रहा है, वहां कुछ हो रहा है, तो जिधर हमारी नजर जाती है वहां कुछ होता हुआ दिखाई देता है, उसके आधार पर हमारे संकल्प चलते हैं। वो है बाहर, मन बाहर को देखता है, बॉडी से बाहर को देखता है। परंतु ये जो है, एक बात बहुत क्लियर समझ लेनी है कि जो हमारे संस्कार होते हैं, मन हमारे संस्कारों को डायरेक्ट प्ले करता है।
बुद्धि से पूछता नहीं उसके लिए। क्योंकि वो संस्कार बन जाते हैं। हाँ, उसके लिए बुद्धि से पूछने की जरूरत नहीं रहती। तो मतलब मेरा कहने का, समझाने का मतलब यह था कि जो हमारे संस्कार 10 अच्छे हैं, 4 खराब हैं, वो 14 संस्कार मिल करके जो खिचड़ी बनी है ना, वो हमारी वृत्ति है। अब कितने वर्क के प्रभाव पर जीते हैं ना। हाँ जी, मेरे को समझ। जो स्वप्न गिरते हैं वो वृत्ति के हिसाब से गिरते हैं ना। नहीं, वृत्ति के हिसाब से नहीं गिरते, मतलब वृत्ति उसमें कभी कभी पाठ करती है। जो हमारे स्वप्न है ना, वो स्वप्न तो टेम्परेरी भी, जो हमारे थॉट चलते हैं दिन में, कुछ हमने देखा, जैसे मैं आपको अपना अनुभव सुनाऊं कि मैं शमशान में जाके भाषण करता था 2 बार 3 बार, तो मैं रात को भी सोए सोए भी शमशान में भाषण कर रहा होता था। और यही जैसे अब मैं क्लास करा रहा हूं, तो मैं नींद में भी वही क्लास ही करा रहा होता हूँ, मतलब प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूँ, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, मतलब जो सारा दिन करते हैं वो हमारे स्वप्न में भी वही आता है। तो कहने का भाई जी, वृत्ति जो है वो हमारे टोटल संस्कारों का एक रूप जो अभिव्यक्ति के लिए तैयार होता है, उसको वृत्ति कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में हम एटीट्यूड कहते हैं, दृष्टिकोण कहते हैं। मेरा दृष्टिकोण मेरे संस्कारों के अनुसार बनता है। मेरे संस्कार 100% प्योर हैं, तो मेरा दृष्टिकोण भी 100% प्योर होगा। मेरे संस्कारों में जितना दोष होगा, मेरे दृष्टिकोण भी उतना दोष होगा। वो उस दृष्टिकोण के आधार से हम हर चीज को देखते हैं। अब मन उसी को, मन क्या करेगा, मन तो जैसा वृत्ति है वैसा देखेगा ना। अब मेरी वृत्ति बनी हुई है कि मैंने आत्मा देखा है, देखना है, मेरा संस्कार पक्का है, तो मैं कोई भी मेरे सामने आएगा मैं आत्मा देखूंगा। और नहीं तो मेरा संस्कार बना हुआ है देह देखने का, मुझे देह दिखाई देगी, देह के अंग दिखाई देंगे। तो देह का देह दिखाई देना, देह के अंग दिखाई देना, तिल दिखाई देना, मतलब हर एक के चेहरे पर या कहीं पर कोई निशानी होती है, सब पता लगता है कि वो क्या देख रहा है। तो इस प्रकार से मेरी आदत क्या है, मैं आत्मा देखने का संस्कार बनाया कि नहीं बनाया, बस सामने वाले को भी पता लगेगा इसकी नजर कुछ अलग है, क्योंकि बाकी जैसे मुझे देखते हैं ये वैसे नहीं देख रहे हैं। ये दृष्टि, ये जो है ना हमारा संस्कार बन जाए कि मैंने आत्मा देखना है, तो शांति की शक्ति, क्योंकि मुझे फिर उनका जो बाहरी रूप है वो मुझे प्रभावित नहीं करेगा, मेरी हलचल नहीं होगी। तो ये सारी बातें हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है कि हमारी वृत्ति जित क्या है, वृत्ति है हमारे टोटल संस्कारों का अभिव्यक्ति वाला स्वरूप वृत्ति। 10 संस्कार में 7 आपके अच्छे संस्कार है, आत्मिक संस्कार है, हाँ, मतलब देवताई संस्कार है, और 3 अगर खराब है, बाकी है। हाँ, तो हमारी वृत्ति दोषपूर्ण है। वो 7, वो 3 जो दोषी है ना, वो 3 भी हम देखते देखते ना, आत्मा देखते देखते फिर कहीं ना कहीं देखने में, दृष्टि में दोष आ जाएगा। भाई जी, हमें फिर ये हमारे वृत्ति को सुधारना पड़ेगा, संस्कारों को बन, वृत्ति वृत्ति के लिए पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है स्पेशल, हमें संस्कार सारे परमात्मा की डायरेक्शन के अनुसार बनाने हैं। बाबा ने कहा है कि संस्कार करो, संस्कारों का, जो आपके पुराने संस्कार हैं उनका अंतिम संस्कार करो, अपने संस्कारों का संस्कार करो, श्रेष्ठ बनाओ। ये बड़े अजीब शब्द है, अपने पुराने संस्कारों का अंतिम संस्कार करो। बाबा कहते हैं अंतिम संस्कार करना मतलब जला दो। आप मिटा तो देते हो, 2 बार 3 बार आपने एक कर्म किया, वो आपका संस्कार चेंज हो गया, परंतु अभी मरा नहीं है वो पूरी तरह, उसको जला दो पूरी तरह। तो बाबा की श्रीमत पर हमने एक एक संस्कार बनाना है। जब सारे टोटल संस्कार मेरे बाबा की श्रीमत पर बन जाएंगे, तब मेरी जो शांति की शक्ति है और वृत्ति है वो ऑटोमेटिक श्रेष्ठ
बन जाएगी। ये वृत्ति की जो बात आ रही है इसको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि ये हम मनसा सेवा में पहले चर्चा करके आई है, वृत्ति के ऊपर चैप्टर था और वृत्ति की बातें हमने वहां पर की थी, परंतु यहाँ आपके साथ इसलिए करना हो रहा है क्योंकि आपको समझ में ही तब आएगा जब आपको वृत्ति के बारे में पता। शांति की शक्ति का अनुभव करने और कराने के लिए अपने मन को एकाग्र वृत्ति और शक्तिशाली वृत्ति चाहिए। हमारी वृत्ति कैसी हो? एकाग्र, मतलब एक संस्कार हमारा ऐसा बन जाए कि हम जिस भी विषय पर सोच रहे हैं हम उसी पर ही करें, हमारी बुद्धि इधर उधर नहीं जाए। मतलब वृत्ति से इस लाइन को फिर से समझाइए। जैसे क्या होता है हमारे पास कि एकाग्र होने का मतलब है किसी एक विषय पर केंद्रित होना, और जब तक वो काम, मान लीजिए एग्जांपल, अगर हम किसी को दुख ना दे और दुख ना ले, ये इस पे केंद्रित हो जाए तो ये, यदि मान लो आप इसी थॉट पर विचार करने के लिए बैठे हो, क्योंकि पहले आपने बेसिक में आपने अपने आप को ये संस्कार देना है कि अब के बाद मैंने किसी को भी दुख देना नहीं, चाहे वो मुझे कुछ भी दे मैंने दुख लेना नहीं। तो ये पावर, फिर इसके लिए क्या होता है, एक स्वॉट एनालिसिस होता है। स्वॉट एनालिसिस कहते हैं, इसी पर चार चीजें हमें चेक करनी होती हैं। ये स्वॉट अंग्रेजी का शब्द है, ये बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर कोई भी कंपनी होती है वो स्वॉट एनालिसिस करती है। अब आप, बाबा ने हमारे ऊपर इसको प्रयोग करने के लिए दिया, S for strength, मेरे पास ये कितनी है चेक करना है अपने अंदर, ये मेरे अंदर ना दुख देना है ना दुख लेना है, ये मेरे पास कितना है, ये मेरी स्ट्रेंथ है, इसको मैंने सबसे पहले देखना है। और फिर हमने स्ट्रेंथ के साथ वीकनेस चेक करनी है, मैं कहां ये नहीं कर पाता, कौन सी सिचुएशंस आती है, कौन सी परिस्थितियां आती है जहां मैं ये नहीं कर पाता हूं, वीकनेसेस, ये मेरी कमजोरी है, इसको चेक करना है। पहले चारों सुन लो, फिर उसके बाद देखना, और उसके बाद वीकनेसेस को देखना है। अब वीकनेस देख ली कि मैं कहां असफल हो जाता हूं, अब उसके बाद तीसरा आ जाता है थ्रेट्स, शॉर्ट में W हो गया, O फॉर अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटी के बाद थ्रेट्स पर आना है। अपॉर्चुनिटी मींस मेरे पास अब अवसर मिला है, कौन कौन से मुझे अवसर मिले हैं कि मैं अपनी शक्ति को अगेन प्रयोग कर सकता हूं। ये एकाग्र होकर के इन सब पर सोचना होता है, एकाग्र। मैंने जो मेरा टॉपिक है, मेरा वो टॉपिक वही है, परंतु मैंने उसके चार पहलू पर ध्यान देना है। फिर मेरे को कहां से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कौन मेरे को सहयोगी बन सकता है, चाहे वो आत्मा हो, चाहे बात हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे कुछ भी हो, क्या क्या अपॉर्चुनिटी मेरे सामने हो सकती है कि मैं अपने अंदर उसको रिगेन कर सकूं, और कहां से थ्रेट्स मेरे लिए धमकी है या मेरे लिए चैलेंजेस हैं, जहां मेरे लिए कठिन है, वो सारी बातें आपने सोचनी है। और उसको सोचने के बाद आपने अपना प्लान बनाना है, क्योंकि एक चीज कभी भी कंपनी पूरा प्लान बनाती है कि कोई भी चीज ऐसे नहीं होता अभी सोचा और अभी ठीक हो जाए, फिर उसके लिए हमें प्लान तैयार करना होता है कि इसको पूरा करने में मेरे को कितना समय लगेगा, फिजिबल, ये नहीं कि शेख चिल्ली की तरह बना दिया मैं कल तक पूरा कर लूंगा, और उसके अंदर सोचना है कि मेरे पास इतनी पावर है, इतनी वीकनेसेस हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, इतने मेरे सामने चैलेंज हैं, थ्रेट्स हैं, और इन सब को ध्यान में रखकर मुझे इसमें सफलता प्राप्त करनी है, तो पहले मुझे क्या करना होगा, फिर मुझे क्या करना होगा। यह है साइलेंस में बैठकर अपनी शक्ति को रिगेन करना।
अपनी शक्ति को एकाग्रता के द्वारा अपने अंदर पुनः लाने का पुरुषार्थ करना। तो जैसे जैसे हम इसको अपने अंदर लेते जाएंगे, जैसे जैसे ये शक्ति हमारी बनती जाएगी और वो हमारे अंदर वृत्ति को बनाने का पहला पहला स्टेप है, पहला स्टेप है। हमने उस पर जितना काम किया वो हमारी शांति की शक्ति को शक्तिशाली बनाता है। तो वो चाहिए वृत्ति, और वृत्ति भी कैसी हो, एकाग्रता की वृत्ति और दूसरा शक्तिशाली वृत्ति, कमजोर नहीं, कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा, हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा, नहीं, मेरा एटीट्यूड मेरे दृष्टिकोण में कमजोरी नहीं होने चाहिए, उस दृष्टिकोण को मुझे शक्तिशाली बनाना है। एकाग्र वृत्ति, एकाग्रता की वृत्ति और शक्तिशाली वृत्ति चाहिए, तब हम शांति की शक्ति के अनुभवी बन सकेंगे और औरों को अनुभव करा सकेंगे। ये बाबा ने 18 नवंबर 1987 को समझाया। नंबर 3 है, संकल्प के विस्तार को समेट कर। हमारे संकल्प क्या होते हैं, एक संकल्प चलेगा चैन शुरू हो जाती है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा संकल्प आते जाएंगे। अब संकल्पों का जो विस्तार है इसको समेटना है, सार रूप में लेके आओ। बस क्या जरूरी है, वही संकल्प केवल मेरी बुद्धि में रहे, संकल्पों के विस्तार को समेट कर सार रूप में ले आओ, असली बात क्या है, तब साइलेंस की शक्ति स्वतः बढ़ती जाएगी। व्यर्थ बाह्य मुखता और समर्थ अंतर्मुखता। बाबा शॉर्ट में छोटे छोटे देखो तीन चार बातें एक ही लाइन में, व्यर्थ है बाह्य मुखता, समर्थ है अंतर्मुखता। जितना हम बाहर इधर उधर देखने की कोशिश करते हैं, न्यूज सुन लूं, उसकी बात सुन लूं, जरा माँ के पास बैठ के आऊं, भाई के पास बैठ के आऊं, उनके साथ क्या होगा, आप जितना बाहर मुखी बनेंगे उतना व्यर्थ आएगा, और जितना अंतर्मुखी बनेंगे उतना समर्थ आएगा। मुझे सिर्फ स्वयं को चेक करना है, मैं स्वयं को चेंज कर सकता हूं, मैं दुनिया को ठीक कर ही नहीं सकता, मेरा क्या मतलब, दुनिया क्या कर रही है, क्यों कर रही है, वो उन आत्माओं का पार्ट है, सुधरेंगे अपने को, नहीं सुधरेंगे अपने आप को, मैंने अपने आप को सुधारना है, मैंने अपने आप को देखना है, मैंने अपनी कमियों को दूर करना है। तो ये जब रहेगा, अंतर्मुखी बनेंगे, मुख के आवाज के भी व्यर्थ को समेट कर, मुंह में भी आवाज नहीं, कई भाई बहन बैठे बैठे कुछ ना कुछ गाना शुरू कर देंगे, दैट इज वेस्ट, व्यर्थ क्यों गा रहे हैं भाई, एकदम साइलेंस में आना है, मुख का आवाज भी नहीं, मुख के आवाज के भी व्यर्थ को समेट कर समर्थ अर्थात सार में लाओ, तब साइलेंस की शक्ति जमा कर सकेंगे। क्योंकि जितना साइलेंस को अनुभव करेंगे हम बोल कर सुनकर, जितना हम मुख को आंखों को कान को जितना प्रयोग करेंगे तो हम साइलेंस की शक्ति पर का को जमा नहीं कर सकते, साइलेंस की शक्ति का अनुभव नहीं कर सकते। तो इसलिए बाबा ने ये 3 दिसंबर 1979 को कहा। ये मनसा सेवा की जो ये छोटी 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 बातें जो सिलेक्ट करके एक टॉपिक को रिलेट करके बनाई है, ये वंडरफुल है। जिस भी भाई बहन ने मेहनत किया है बहुत वंडरफुल है, और हमें ये पका पकाया खाना मिल रहा है समझने के लिए कि हम अपने आप को शांति की शक्ति कैसे जमा कर सकते हैं। ये बाबा ने 3 दिसंबर 1979 की मुरली में समझाया है। नंबर 4, साइलेंस की शक्ति की रूहानी रंगत, साइलेंस की शक्ति की रूहानी रंगत अथवा विचित्र पार्ट, आत्मा का समझ में आया, रूहानी का मतलब कितना क्लियर किया, एकदम विचित्र,
जिसका हम चित्र बना ही नहीं सकते। पाठ चलाने के लिए आत्मा को सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र होना चाहिए। हमारे बंधन कितने हैं? परिवार का बंधन, देह का बंधन, कर्मों का बंधन, विकर्मों का बंधन, व्यसनों का बंधन, उल्टे पुल्टे संस्कारों का बंधन, पता नहीं क्या क्या बंधन है। हर बंधन से आत्मा जितना मुक्त होगी, हम कह दे कि क्या करूं, मेरा कर्म बंधन आ गया, कर्म भोग आ गया, जिसके बाबा कुछ सुनने को तैयार नहीं, बाबा कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। आत्मा को सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र होना चाहिए, जो जब चाहे, जहां चाहे, जो शक्ति चाहे, आठों शक्ति हमने की थी ना, जो शक्ति चाहे उससे कार्य कर सके, उससे कार्य कर सके, ऐसी निर्बंधन आत्मा अनेकों को जीवन मुक्त बना सकती। खुद तो बनेगी बनेगी, क्योंकि खुद बनेगी तो अपना अनुभव शेयर करके उनको भी बना सकेगी। ये बाबा ने 3 दिसंबर 1979 की मुरली में समझाया। नंबर 5, साइलेंस की पावर का प्रयोग करने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए। दोबारा आ गया है, परंतु ये दिन अलग हो गया, ये 15 दिसंबर 1999 को कहा। साइलेंस की पावर का प्रयोग करने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए, क्योंकि बाबा एक एक लाइन देखो कहां कहां पढ़ाता है। मैं इनको पढ़ के ना मेरे को आता है, बाबा को पढ़ाने का तरीका नहीं आता। सीधे चैप्टर वाइज ये सारे निकाल के रख देता, सारे हम सियाने बन जाते ना एकदम पढ़ करके। चलो बाबा ने बच्चों से काम करवा के हमारे लिए तो मक्खन निकलवा के भेज ही दिया कि हम आराम से बैठकर इसको कर सके। मतलब बाबा कब कब गुहे गुहे बातें कहां कहां बता जाते हैं एक एक लाइन में। ये मेरे पास ऐसा बहुत सारा स्टॉक है जिसको यहाँ हमने अध्ययन करना है, समझना है अपने जीवन में। 6, साइलेंस बल का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाने का साधन है मन बुद्धि की एकाग्रता। फिर से देखो कैसे कहा है, साइलेंस बल का वाइब्रेशन, जब आपके अंदर साइलेंस का बल हो, शांति की शक्ति हो, और उसके बल का जो वाइब्रेशन है उसको तीव्र गति से फैलाने का साधन। पहले तो था इकट्ठा करने का, इकट्ठा करने के लिए हमें एकाग्रता चाहिए थी, शक्तिशाली संकल्प वृत्ति चाहिए थी, और अब क्या कहते हैं, साइलेंस बल का वाइब्रेशन तीव्र गति से चारों तरफ फैलाने का साधन है मन बुद्धि का एकाग्रता। मन बुद्धि की एकाग्रता, ये दोनों एक मत होने चाहिए। ये एकाग्रता का अभ्यास बढ़ना चाहिए। एकाग्रता की शक्तियों द्वारा ही वायुमंडल को बना सकते हो। हलचल के कारण पावरफुल वाइब्रेशन बन नहीं पाते। यदि तुम्हारे अंदर हलचल होगा, आपको पता नहीं होगा नहीं होगा, आप एकदम मन और बुद्धि दोनों एक मत हैं। बाबा ने 2 को लगाया है, मैं इसके साथ संस्कार को भी लगा रहा हूं कि जब तीनों एक हो जाते हैं ना, तब जो है ना असफलता हो नहीं सकती। मन भी वही कहे, बुद्धि भी वही कहे, मेरी आदत भी वही कहे, बस तब तो उस काम, उसको कहते हैं दिल। ये बाबा ने बहुत कई मुरलियों में ये बात कही, और ये बात मैंने नोट किया, 2-3 बार चांस की बात हुई कि जैसे ही
बाबा दिल की बात करता है तो किसके कान सबसे पहले खड़े होते होंगे? माउंट आबू भी, हाँ जी, बस उनमें से किस बच्चे के जो दिल नहीं मेरे, आप बिल्कुल ठीक बात है, पर तू मेरी बात को ध्यान दो, सतीश गुप्ता जी, क्योंकि वो दिल के डॉक्टर है, ठीक नहीं? और जैसे बाबा कहते, और दो तीन बार ऐसा चांस हुआ कि मैंने भी देखा सतीश गुप्ता की तरफ, एकदम सतीश गुप्ता गुप्ता जी हिल जाते हैं कि बाबा ने क्या बोल रहे हैं दिल के लिए, क्योंकि उनका ध्यान हमेशा अपनी बात पर तो रहेगा ना, क्योंकि उनका सब्जेक्ट है कि उनको, उन्होंने तो सबके दिल का इलाज करना है। और मैं जितना देख पाता हूं कि वे उसे फिजिकली ही समझ पाते हैं, और मेरा, मेरे दिमाग में सीधा आता है, क्योंकि मैं ये माउंट आबू में मेरे साथ दो तीन बार हो चुका कि भी ना मुझे सतीश गुप्ता की शक्ल सामने आती है, उसी टाइम तुरंत देखता हूँ कि सतीश गुप्ता भी अपनी सीट पर बैठे हुए हिल गए हैं, एकदम जैसे कोई चीज, नई चीज आ जाती है ना, एक्टिव हो जाते हैं, ऐसे सतीश गुप्ता भी जो है एक्टिव हो जाते हैं। तो दिल का मतलब है मन बुद्धि, मैं बता रहा हूँ दिल, दिल का विषय तो उनका है ना, उनको तो अपने टॉपिक पर ध्यान जाएगा ना, बाकियों का ध्यान जाए या ना जाए, उसका ध्यान जाएगा जहां बाबा ने दिल शब्द बोला ना, तो वहां उसका ध्यान जाता है कि क्या मुझे खजाना मिल जाए बाबा का। तो मतलब इस प्रकार से, खैर, तो दिल जो है, दिल का मतलब होता है मन बुद्धि और संस्कार, तीनों एक मत हो जाते हैं, वायुमंडल को बना सकते हो, हलचल के कारण पावरफुल वाइब्रेशन बन नहीं पाता। ये बाबा ने 18 जनवरी 2000 को बताया। नंबर 7, जब सर्व में शांति की महान शक्ति निरंतर संकल्प बोल और कर्म में हो, जब सर्व में शांति की महान शक्ति, सब में, एक दो में नहीं, सब में शांति की महान शक्ति निरंतर संकल्प में भी, बोल में भी और कर्म में हो जाएगी, तब ही मास्टर शांति देवा बन जाएंगे। एक दो को नहीं कहा, लाइन देखना है ना क्या कह रहे हैं बाबा, जब सर्व में शांति की महान शक्ति और वो भी निरंतर संकल्प में भी, बोल में भी, कर्म में भी हो जाएगी, तब ही मास्टर शांति देवा बन जाएंगे, बाप समान बन जाएंगे। मास्टर शांति देवा माना बाप समान शांति के दाता बन जाएंगे। ये बाबा ने 13 नवंबर 1981 को समझाया था। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।